प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में पॉलीथीन डस्टिंग मशीन का शुभारंभ किया और नगरपालिका परिषद को 20 कचरा गाड़ियों की सौगात भी सौंपी। 50 लाख की लागत वाली पॉलीथीन डस्टिंग मशीन एवं 20 कचरा गाड़ियों को भी परिषद के सुपुर्द किया। कचरा वाहनों के काफिले में शामिल एक वाहन को गृह मंत्री ने काफी दूर तक चलाया। उन्होंने ट्रीचिंग ग्राउंड में नगरपालिका परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आसपास की पहाड़ियों को भी पर्यटक स्थल के रूप में नगरपालिका विकसित करे। मंत्री मिश्रा ने कहा कि विदेशी पक्षी एमू और कबूतरों को भी पार्क में विस्थापित करने की सलाह दी है। गृह मंत्री मिश्रा ने करण सागर के नजदीक स्थित राज्य संरक्षित छतियों का पुरातत्व विभाग की ओर से 4,32,00,000 रुपए स्वीकृत किए थे। संधारण जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के कार्य का निरीक्षण किया। गृह मंत्री मिश्रा ने दतिया के इतिहास को लेकर एक 3D वृत्त चित्र बनाने को भी ADM रूपेश उपाध्याय को सलाह दी है, ताकि लोग दतिया के इतिहास के बारे में जान सके। इस मौके पर अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय ने दतिया गले का हार नामक एक डॉक्यूमेंट्री के बारे में भी जानकारी दी है। इस मौके पर प्रभारी कलेक्टर कमलेश भार्गव सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी मौजूद थे। निरंतरता कष्टदायी होती है, व्यक्ति का स्वभाव है कि वो एक दिन कितनी भी मेहनत कर लेगा, दो दिन कितनी भी मेहनत कर लेगा, पर रोज रोज तो उसे अगर कोई दिक्कत आए तो माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। कहावत है कि एक रोज का रोना हो तो किया जाए सबर, और रोज रोज के रोने को कहां से लाए जिगर। जिगर मुरादाबादी का है। कुछ ऐसी चीजें जैसे आपने पार्क कहा, पार्क बनने में बहुत अच्छा लगता है, मेंटेन में बहुत तकलीफ देता है। इसलिए यही कारण था कि अपने दतिया के पार्क में जो पुराने थे, पुराने टाइम में गधे बदने लगे, वो नहीं होना चाहिए। एक दूसरा इसी स्थान पर मैंने कहा कि जैसे अभी कुरेशी जी बता रहे थे, इग्नू पक्षी है, ईमू पक्षी है, ईमू है कि इग्नू है, वो ईमू पक्षी को आपने कहा लोग सैलानी आए घूमने आए, ईमू पक्षी ऐसा है विदेशों में उस पर बैठ के लोग दौड़, आदमी उसके ऊपर बैठ जाता है, कितना मजबूत पक्षी होगा, आदमी की हाइट उसकी चोंच तो आदमी की हाइट पे निकलती है, वो लाके चार पांच छोड़ देना चाहिए। कबूतर है, ये ऐसी वैरायटियां हैं जिसमें आपको मेंटेन नहीं करना। जैसे कबूतर कंकड़ खा के जी सकता है, प्रकृति का एकमात्र ऐसा उपहार है, दाना मिले तो ठीक है, नहीं तो वो जिंदा कंकड़ पे भी रह सकता है, ये अकेले उसी को मिली हुई है। कबूतर ऐसे इग्नू भी है, ये अपनी खाद्य सामग्री ढूंढते हैं। पार्क में भी अपन वो पौधों को डेवलप करने की अभी से कोशिश करें जो बिना पानी के जिंदा रहते हैं और फूल भी देते हैं। तो बोगनविलिया एक ऐसा पौधा है जो इस पहाड़ पर बहुत संख्या में लग सकते हैं, और उसका रंग बहुत अच्छा होता है और बिना पानी के लगती है, वो हवा से पानी लेता रहता है। आप देखेंगे भोपाल पे जाते हो, चार इमली पे जितनी रंग बिरंगे फूल है वो सब बोगन मिली आगे, उसमें किसी का कोई रोल नहीं, कोई पानी की जरूरत नहीं। अपन बुंदेलखंड का मुंह है तो अपनी स्थिति ऐसी है, बरसात का जो पानी मिलेगा मिलेगा, पर इस तरह का भी दिमाग लगा के और उसको देना चाहिए। दूसरा, हमारे जितने पार्षद है ऐसी जगह, ये अपन ने जो प्राप्त किया है, ये पहाड़िया है, इसको चीरो बीचो, इसको और उसको एक करो और इसी की मट्टी से इसका भराव करो, ये एक लिंक हो जाए जो अपने आप में बीच में से निकलते हुए, आपने देखा वो वहां डबरा में तालाब पे ऊपर से एक